अब जोश की मॉम मगरमच्छ के मुंह में अपने बेटे का सिर देखकर डर जाती है क्योंकि उन्हें अभी तक उसकी सच्चाई नहीं पता थी कि वो एक अच्छा क्रोकोडाइल है। लेकिन माँ जब सच्चाई जानती है तो मगरमच्छ भी उनके साथ रहने लगता है, पर जब लड़के के पिता को मगरमच्छ घर में दिखता है तो वह भी उससे भिड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में डरकर जब वह गेट पर जाते हैं तो जादूगर एक्टो वापस आ चुका था अपने मगरमच्छ को लेने, जिसे वह सालों पहले उस घर में अकेला छोड़कर भाग गया था। मगरमच्छ और उसकी बोलने की कला अब सबके सामने थी, जिसके बाद समय बीतने के साथ एक बार फिर जादूगर रिस्क लेकर एक शो रखता है क्योंकि उसे लगा शायद लायल अब सबके बीच गाना गा सकता है, पर इस बार भी वो गलत साबित हुआ। जादूगर का वो शो भी फ्लॉप हो जाता है, जिसके बाद चिड़ियाघर वाले लायल को वहाँ से ले जाते हैं और जू में डाल देते हैं। जादूगर एक्टर उसे वहाँ से बाहर निकालना चाहता था क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह अपने जादू की मदद से मगरमच्छ को जोश के साथ वहाँ से भगा देता है। दोनों एक लाइव शो में पहुँच जाते हैं जहाँ इस बार मगरमच्छ गाने लगता है और जादूगर का सपना सच होता है।